नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। टोंक खुर्द में विगत 9 दिनों से वार्ड नंबर 1 के पार्षद सुनील मालवी ने 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा पर बैठकर आज 2 घंटे चक्का जाम किया गया वार्ड वासियों में, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं सड़क पर बैठी हुई थीं। इसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा पार्षद मालवी को 1 माह का नगर परिषद टोंक खुर्द में विकास कार्यों को करवाने का समय दिया गया। 9 सूत्री विकास कार्यों की मांग का आश्वासन के बाद पार्षद मालवी की माता जी ने एवं प्रशासन द्वारा जूस पिला कर धरना अनशन समाप्त करवाया। इसमें अहम भूमिका वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रतिनिधि अनवर पटेल का बड़ा सराहनीय सहयोग रहा। इस अवसर पर टोंक खुर्द प्रभारी तहसीलदार पूजा सिंह चौहान, नायब तहसीलदार योगेंद्र सिंह राठौर, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विनोद कुमार साहू, टोंक खुर्द पुलिस थाना प्रतिनिधि प्रभारी रमेश चंद पचलानिया, उप निरीक्षक चंदन सिंह चौहान, सब इंस्पेक्टर लाल सिंह डोडिया, सब इंस्पेक्टर सूबेदार सिंह यादव, प्रधान आरक्षक सौदान सिंह, आरक्षक सुरेश शर्मा, पंकज कुशवाहा, राजेश परमार एवं नगर परिषद के कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अंत में आभार पार्षद सुनील मालवी ने प्रशासन एवं वार्ड नंबर 1 की जनता व नगर की जनता के साथ पत्रकार गणों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से इकबाल पटेल की खास रिपोर्ट। रोज होएगा, रोज पढ़ जा बेटा। तो पीछे जा बेटा, बेहोश मशीन